हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि 2 फरवरी 2016 को हुई थी। और फ्रेंड्स, ये हमारा जो पेपर है, ये हमारा प्राइमरी लेवल का पेपर है। और इस पेपर से गणित पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है और सभी क्वेश्चनों को आपको स्वयं से भी अटेम्प्ट करना है। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाइए, सो दैट आपका कोई भी सिंगल वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं आप। यदि 547.527/0.0082 का मान x है, तो 547.527/82 का मान क्या होगा? सो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और यदि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 547.527/ जो हमारा 82 है, इसको फ्रेंड्स मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। यदि मैं यहाँ पर लिखूँ 547.527 और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपकी 1000 की, और नीचे मैं लिखता हूँ पॉइंट, यानी कि 0.0082, इसमें कर देता हूँ मैं 10,000 की मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, यदि मैं 10,000 की इसमें करता हूँ, तो ये आएगा हमारा 82। और यदि मैं 1000 की इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हमारा आएगा ये दिस वैल्यू। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिया है कि ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर एक्स दी गई है। तो इसकी जगह मैं एक्स लिख लेता हूँ। तो मैं इसकी जगह एक्स लिखा, तो ऊपर था हमारा कितना 1000 और नीचे था हमारा 10,000। ठीक है, तो यहाँ से 1000 से 10,000 कटेगा, तो कितना आएगा 10 times, तो यहाँ पर आएगा मेरा x/10। क्या आएगा? x/10। और x/10 देखिए कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण बताइए। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या है और कोटिपूरक कोण क्या है। संपूरक कोण होते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका जो योग है वो 180 डिग्री होता है, और कोटिपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक संपूरक कोण, तो संपूरक कोण एक सपोज मैंने x माना, तो दूसरा क्या होगा फ्रेंड्स, दूसरा होगा हमारा संपूरक कोण 180 - x। और दूसरा क्या है इसमें, उसके कोटिपूरक, यानी कि एक कोण का संपूरक कोण। तो एक कोण का संपूरक कोण कितना हुआ 180 - x, और दूसरा उसके कोटिपूरक कोण का, तो कोटिपूरक कितना होगा फ्रेंड्स 90 - x। सपोज वो भी x है, तो दूसरा क्या होगा इसका 90 - x, यानी कि कोटिपूरक। तो ये क्या बोला है कि संपूरक जो है वो कोटिपूरक का क्या है, 3 गुना है। तो 3 गुने की, यानी कि 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी फ्रेंड्स हमें सिंपली इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आएगा आपका 270 - यहाँ आएगा 3x। अभी यहाँ से आप देखेंगे ये x मैं सपोज इधर पहुँचा देता हूँ, या 270 को मैं इधर ले आता हूँ, तो मेरा आएगा यहाँ पर आप देखेंगे माइनस के 90 आएगा, और यहाँ पर आएगा माइनस के 2x आएगा। कितना आएगा माइनस के 2x। तो यहाँ माइनस से माइनस कट गया, 2 से 90 कटा, तो कितना आया 45। तो x की वैल्यू क्या आई फ्रेंड्स मेरी 45। और यही हमें बताना था कि कोण क्या है। हमने माना था x और उसका संपूरक माना था 180 - x, कोटिपूरक 90 - x। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आएगा x की वैल्यू 45। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर एक चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम एक तरह से एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे, और बहुत ही चंद सेकंडों में ही इसका मैं आंसर आपको निकाल के दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केवल ट्रिक को समझना है और क्वेश्चन को बहुत ही आसान वे में करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यदि आपको यहाँ पर देखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है कि यदि पार्क के बाहर की ओर रास्ता है, तो उस समय क्या ट्रिक यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि बाहर की तरफ रास्ता है, तो सबसे पहले पार्क की लंबाई और पार्क की चौड़ाई दोनों को ऐड करेंगे, और उसमें जो रास्ते की चौड़ाई है उसकी
उसका करके डबल और उसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पार्क की लंबाई कितनी है 45, चौड़ाई कितनी है 30, और प्लस 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2.5। तो कर दीजिए इसको सिंपल, तो यहाँ पर हो गया 75 और यहाँ आया 5, कितना आया फ्रेंड्स 80। तो 80 मीटर आया। अभी ये जो 80 मीटर आया, इस 80 मीटर में रास्ते की यदि कि डबल चौड़ाई से क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। यानी कि रास्ते की हमारी क्या आई थी, यहाँ पर 80 कैलकुलेशन आई थी, इसमें रास्ते की चौड़ाई की डबल से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 80 इंटू 5 होगा, और 80 इंटू 5 बराबर कितना होगा 400 मीटर स्क्वायर, ये होगा इसका आंसर। अभी देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स, इसी तरह का यदि क्वेश्चन आपका रास्ता अंदर की ओर दिया हो तब हमें क्या करना है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले रास्ते की यानी कि आपके आयत की लंबाई और आयत की जो चौड़ाई होगी उसको हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, और इसमें से डबल टाइम ऑफ रास्ते की चौड़ाई क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जो माइनस करने के बाद हमारा आएगा, उसमें अगेन हमें रास्ते की दोगुने से मल्टीप्लाई करना है, वही उसका होगा आंसर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है तो त्रिभुज के कोण होंगे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले इसको मैं लिख लेता हूँ। तो इसको मैं लिखता हूँ 2x, और इसको लिखता हूँ 3x, और इसको लिखता हूँ मैं 4x। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान कितना होता है फ्रेंड्स, 180 होता है। यदि मैं तीनों को ऐड कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना हुआ, 5 प्लस 4 9, 9x इक्वल टू कितना हुआ 180। या फिर आपकी x की जो वैल्यू आएगी, 9 से कटेगा 20 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 20। तो अभी हमें बताना है कि त्रिभुज के कोणों का मान क्या होगा। तो 20 यहाँ पर रखेंगे तो कितना होगा हमारा 40 आएगा, 20 में यहाँ पर रखता हूँ तो मेरा आएगा 60 आएगा, 20 में यहाँ पर रखता हूँ तो मेरा आएगा 80 आएगा। तो इस तरह से 40, 60 और 80 इसका मेजरमेंट होगा। तो 40, 60, 80 कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक दिया है 13 और उनका लघुत्तम समावर्तक दिया है 1989 यानी कि 1989। और यहाँ पर यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी बताइए। तो सिंपल फ्रेंड्स फॉर्मूला है, पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और इक्वल टू क्या होगा, LCM इंटू HCF होगा, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमें निकालना है फ्रेंड्स आपका जो आपका फर्स्ट है इसमें से दूसरी संख्या यानी कि सेकेंड नंबर की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि दूसरी संख्या को मैं S लिख सकता हूँ, इसको F लिख सकता हूँ, F इंटू S भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स नोटेशन के लिए। तो S का मान क्या होगा, LCM इंटू HCF अपॉन क्या आएगा, फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर सिंपल हमें क्या करना है कि HCF यानी कि 1989 इंटू आएगा 13 और अपॉन आएगा पहली संख्या 117, क्या आएगा 117। तो फ्रेंड्स अभी हमें इसको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेशन से हमारा जो आपकी ऊपर यदि मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर आपकी मल्टीप्लिकेशन आएगी, आप देखेंगे 1989 अपॉन जो हमारा 17 से अपना 117 कट जाता है, तो यहाँ पर आएगा 9, नीचे क्या आएगा 9। अभी 9 से इसको काट दीजिए, 9 × 2 = 18 हो गए, एक बचा 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 9, तो कितना है 221। तो राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। आंकड़े दिए गए हैं 25, 15, 23, 40, 27 इस तरह से। तो इसमें हमें निकालना है परिसर, तो परिसर का मतलब इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लगा लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले आपका कितना आएगा, 15 आएगा, उसके बाद आपका आएगा 23 आएगा, फिर अगेन 23 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 25 आएगा, उसके बाद 27, फिर 40, फिर उसके बाद 42। तो परिसर क्या होता है, परिसर होता है जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है यानी कि उच्चमान माइनस निम्न मान, वो होता है परिसर। तो उच्चमान कितना है हमारा 45, माइनस निम्न मान कितना है 15, तो कितना है फ्रेंड्स 27, यही होगा इसका आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 है, 50 × 40 × 30 की माप का एक घनाभकार गोदाम है। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, ये 50 की जगह हमारा क्या है 60 आएगा, क्या आएगा 60 आएगा। तो यहाँ आएगा 60 × 40 × 30 की माप का घनाभकार है, तो कितने यानी कि घनाभकार बक्से इसमें रखे जा सकते हैं, तो एक बक्से का आयतन दिया है इतना। तो सिंपली हमें क्या करना है, यदि हमें बक्सों की संख्या निकालनी है
तो गोदाम के हम आयतन को हम एक बक्से के आयतन से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, वही इसका हो जाएगा आंसर। तो सिंपली यहाँ का करना है, इसकी जगह 60 आएगा, यानी कि 60 इंटू 40 इंटू 30 आएगा, और अपोन यहाँ पर आ जाएगा हमारे बॉक्से का आयतन, यानी कि 0.8। पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगी, यहाँ से 5 टाइम्स कटेगा, तो यहाँ पर 300 इंटू 300 आएगा, तो कितना आ जाएगा 90,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1 और ए प्लस बी रूट 3 दिया हुआ है, तो ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सिंपल इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो रूट 3 माइनस 1 है अपॉन रूट 3 प्लस 1 है, इसके अपोजिट साइन से हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका तो हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर होगा ए प्लस बी, और ए माइनस बी के फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब 3 आएगा और बी स्क्वायर का मतलब 1 आएगा, तो आपका आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा नीचे, 2, और ऊपर क्या आएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल देते हैं, तो ये आएगा ए का स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 आएगा, प्लस बी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 2 रूट 3 आएगा, और अपोन आएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आएगा 4 माइनस 2 रूट 3 अपोन 2, और जैसे मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरा यहाँ पर इसका वैल्यू आएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी 2 माइनस रूट 3, क्या आएगा, 2 माइनस रूट 3, ये इक्वल है किसके, ए प्लस बी रूट 3 के। तो यहाँ से यदि मैं कंपैरिजन करता हूँ तो ए की वैल्यू आती है 2, और बी की वैल्यू यदि मैं कंपैरिजन करता हूँ तो मेरी आती है बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पर आएगी बी की वैल्यू माइनस 1। तो आंसर देखिए कौन सा सही है, आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे, निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, ये विधि होती है आपकी प्रदर्शन विधि, यानी कि डेमोंस्ट्रेशन मेथड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। डेमोंस्ट्रेशन विधि में हम देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है तो इसका अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका अर्थ ये है कि उसे स्थानीय मान की जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि हजार वाले पाँच को सैकड़े वाले स्थान पर वो क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, जबकि उसको क्या होना चाहिए था, हजार वाले स्थान पर रखना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, स्थानीय मान की कंसेप्ट क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो सिंपल इसमें क्या है, फॉर्मूला है फ्रेंड्स, याद रखना है, रूट 3/4 होता है इंटू भुजा का वर्ग। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है रूट 3/4 इंटू भुजा का वर्ग, और भुजा हमें दी गई है कितनी, 20, तो रूट 3/4 इंटू 20 का स्क्वायर होगा, तो 20 इंटू 20 में लिख लेता हूँ, तो यहाँ से मैं कट करूँगा, कितना आएगा 5 टाइम्स, और 20 इंटू 5 कितना होगा 100, तो 100 रूट 3 इसका होगा आंसर। बहुत ही सिंपल है, फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो फ्रेंड्स, परिधियों का अनुपात है तो इसका मतलब ये है कि 2πr1 अपॉन 2πr2 की जो वैल्यू दी गई है, परिधि की वैल्यू दी गई है, वो दी गई है 3:1। मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, तो 2π से 2π कट गया, तो मेरा r1 अनुपात r2 की वैल्यू आई 3:1 की। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, मैं इसका एरिया का क्या कर देता हूँ, अनुपात लिख लेता हूँ। तो एरिया कितना होगा, तो एरिया होगा πr1 स्क्वायर अनुपात πr2 स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखेंगे पाई से पाई कट गया, या r1 स्क्वायर अनुपात r2 स्क्वायर। अब r1 की जगह कितना था, 3 का स्क्वायर, और r2 की जगह कितना है, 1 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 9:1, कितना होगा, 9:1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है 6:5/4, यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना है, 5328 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सिंपली फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि जो घनाभ है उसका जो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, इसमें संपूर्ण पृष्ठ दिया है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, इस तरह से होता है। और ये दिया है कितना हमारा, 5328, तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, 5328 इजगल टू कितना होगा, 2, अभी अनुपात है तो मैं इसको x के रूप में लिख लूँगा, यानी कि 6x इंटू 5x होगा,
5x इंटू 4x होगा, 4x इंटू 6x होगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ, 6 की 5 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 30 और एक्स एक्स की एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से प्लस क्या आएगा 20 एक्स स्क्वायर आएगा और इसी तरह से हमारा आएगा 24 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पर यदि मैं अंदर मल्टीप्लीकेशन खोल देता हूँ तो ये आएगी 2 इंटू 74 इंटू एक्स स्क्वायर इजगल टू आएगा 5328 को अभी सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो ये आएगा 36, या एक्स इजगल टू आएगा कितना 6। तो अभी हमें क्या निकालना है, इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालनी है। तो 6 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगी लंबाई, 6 की 5 में करेंगे तो 30 आएगी चौड़ाई, और 6 की 4 में करेंगे तो ये आएगी आपकी ऊंचाई। तो इस तरह से आप देखेंगे हमारा जो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। 0.125 की 2 to the power 2/3 है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा 0.125 है इसकी पावर कितनी दी है 2/3। तो 0.125 को मैं लिख लेता हूँ 0.5 की पावर कितनी होगी 3, और इसकी सभी की पावर क्या है 2/3। अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर की पावर में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि इन दोनों की आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई, और 3 से 3 कट जाएगा, और 0.5 का क्या होगा स्क्वायर कितना होगा, 0.5 का क्या आएगा स्क्वायर, और 0.5 का स्क्वायर कितना आएगा 0.25। कितना है फ्रेंड्स 0.25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर में क्या दिया है, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ तीन गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट हम 15 क्वेश्चंस जो होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो विक्रय मूल्य 100 है और जो हमारा लाभ है वो है पी। तो यदि विक्रय मूल्य 100 है और लाभ हमारा पी है तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या होगा कि 100 में से हम क्या घटा लेते हैं, लाभ को घटा लेते हैं, और इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर आएगा आपका क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य बराबर इतना होगा, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। तो इसी तरह से विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो दोगुना यानी कि 200 हो जाएगा, तो लाभ कितना होगा 3 गुना, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अभी फ्रेंड्स इन दोनों को मैं इक्वल रख लेता हूँ, और इक्वल रख के मैं पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, यानी कि 100 माइनस पी इजगल टू कितना होगा आपका 200 माइनस 3p। तो इस तरह से ये पी इधर पहुँचाता हूँ, ये इधर पहुँचाता हूँ, तो आपका यह देखेंगे कि जो 2p की वैल्यू है वो 100 के इक्वल आएगी, या p की वैल्यू आएगी कितना 50 आएगी। तो 50 आ गई, तो इस तरह से मैं क्रिय मूल्य निकाल सकता हूँ। तो क्रिय मूल्य मेरा कितना था 100 माइनस पी, तो 100 माइनस पी की वैल्यू अभी मैंने निकाला कितना 50, तो कितना आया फ्रेंड्स आपका 50 आएगा, कितना आया 50 आएगा। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे आपको निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ परसेंटेज कितना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना होगा प्रॉफिट अपॉन, प्रॉफिट अपॉन क्या होगा क्रिय मूल्य इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना 50 अपॉन क्रिय मूल्य कितना आया 50, और इंटू आएगा 100, तो 50 से 50 कट गया तो कितना आया 100, तो कितना आया 100%। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर आपका बी। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 15 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो कि आपकी जो यूपी टेट की जो परीक्षा यानी कि 2 फरवरी 2016 को हुई थी, और ये प्राइमरी लेवल का पेपर है, और इससे जो गणित पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चनों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, और नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स चैनल से जुड़ना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं कटता है। सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस करके आपको बेल आइकॉन को प्रेस करना है, सो दैट जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी सूचना आपको मिलेगी सबसे पहले और बिना किसी रुकावट के। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।